वेलकम स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, डिफरेंशिएशन। हमने पहले क्या पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आज हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी होती है, और उससे पहले एक है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर हम इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है, ये जो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लेते हैं ना, ये वाला, इसमें जो हम कहते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब इस पर लिमिट लग जाती है तो ये क्या बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स। यानी वाई जो फंक्शन होगा वाई में एक्स का, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज आएगा किसकी रिस्पेक्ट से, एक्स की रिस्पेक्ट से। तो जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, पेज नंबर 92 पे आप देखें, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन, इसको बाय डेफिनेशन भी कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, और एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। तो इसका स्टेप वन ये है कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा ये वाला, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसमें आपने क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। हमने पीछे देखा था ना ग्राफ में, वाई में भी जो इंक्रीमेंट आता है वो डेल्टा वाई, और जो एक्स में इंक्रीमेंट आता है वो डेल्टा एक्स। तो हमने क्या करना है, इस यहाँ पे जो वाई है इसमें हम इंक्रीमेंट डाल करेंगे किसका, डेल्टा वाई का, और एक्स में किसका करेंगे, डेल्टा एक्स का। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इसका सेकंड स्टेप अब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे वाई था वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ये इसका सेकंड स्टेप है, और वाई की क्या वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स, वो हमने इधर पुट कर देनी है। ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन ये जो बन जाएगी ना आपके पास, इसको आपने डिवाइड करना है बोथ साइड किससे, डेल्टा एक्स से, ठीक है। ये इसका थर्ड स्टेप है, और इसका फोर्थ स्टेप ये है कि ये जो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था, इस पर हम लिमिट लगा देंगे दोनों साइड पे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये इसका फोर्थ स्टेप है। तो ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये आपके पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये आपके पास है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। पहला स्टेप हमने क्या करना है, y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट। आप ये देखें यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये अलग अलग नहीं लिख देना कि एक्स स्क्वायर और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, नहीं, x के साथ प्लस डेल्टा x, और x की जो भी पावर होगी वो इसकी होल बनेगी। तो यहाँ पे होल पावर क्या आया है, स्क्वायर। ये इसका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो y इधर प्लस हो रहा था वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखें, इसकी वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर का, इसको हम ओपन कर देंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2ab आता है, a की जगह x आ गया, b की जगह डेल्टा x आ गया, और फिर बी स्क्वायर यानी डेल्टा x का स्क्वायर। यहाँ पे जो मैं बात बता रही हूँ इसको गौर से देखें, ये है डेल्टा x और ये है x, ये जो डेल्टा x वाला x है और ये वाला x सेम नहीं है, x की वैल्यू कुछ और है, डेल्टा x की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये x में इंक्रीमेंट है। अब वो इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो 0. समथिंग हो या 1. कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो इसका इंक्रीमेंट है। तो आपने जब यहाँ पे 2ab लिखना है, यानी x इंटू डेल्टा x, तो इसको एज इट इज़ रहने देना है, इस x को इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये दोनों x डिफरेंट हैं। तो इसलिए आपने इसको कैसे लिखना है, 2x डेल्टा x और प्लस डेल्टा x पूरे का स्क्वायर, यानी कि 2 डेल्टा x, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, डेल्टा x होल स्क्वायर है, यानी 2 डेल्टा x है ये। फिर प्लस 3 एज इट इज़ है, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब जो पीछे आपके पास बचा है वो ये है, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अगर आप देखो इन दोनों टर्म्स में डेल्टा एक्स है, तो हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे। ये इसका था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आप इससे मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, ये इसका आखिरी हद है। इसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड को डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स से। जब आप बोथ साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका थर्ड स्टेप होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स
कैंसल हो जाएगा, आपके पास उसके बाद रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। अब आपने इसके ऊपर लिमिट लगानी है डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये इसका फोर्थ स्टेप है। तो जब डेल्टा x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, इस पर जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2x पर तो डेल्टा x नहीं है ना, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। ये डेल्टा x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। और मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पे भी अच्छी तरह इसको नोट कर दें, जब लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो लगेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पे, तो वो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी y के फंक्शन में x की रिस्पेक्ट से जो चेंज आया है वो ये है। तो इसका आंसर क्या है, 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपने इस तरह से करने हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ अगर x की पावर n है, ये भी गौर से देख लें ज़रा, x की पावर n है तो ये आपने उसी तरह यहाँ पे डेल्टा y एंड इंक्रीमेंट आ गया, यहाँ पे डेल्टा x इंक्रीमेंट आ गया, वही y इधर शिफ्ट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से अब गौर से देखें ज़रा, ये उसी तरह होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बायनॉमियल थ्योरम लगाया था। ये क्या है बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। इस पार्ट पे आपने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है, सिर्फ तीन टर्म्स लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस अप टू ऑन, और ये लास्ट वाला इन्होंने लिखा है, इसको लिखने इस वाली टर्म को भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेशक मत लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ये माइनस एक्स है वो आएगा। अब ये माइनस एक्स एन और ये प्लस एक्स एन कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास ये टर्म्स रह जाएंगे एक दो तीन, इसको रहने दें आप, तीन टर्म्स रह जाएंगे। इनमें आप देखें डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स है फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड टर्म में भी ना, सॉरी दो टर्म्स रह जाएंगी, तीन नहीं क्योंकि ये तो कैंसिल हो गई है ना। तो इसमें से आपने वही काम करना है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना है और उसके बाद डेल्टा एक्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये फर्स्ट टर्म जो है वो बगैर डेल्टा एक्स के रह जाएगी, बाकी टर्म में डेल्टा एक्स है। हम इसको मज़ीद ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इसकी हायर टर्म्स जितनी भी आप लेंगे सब में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स था, इससे नेक्स्ट वाली में डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, उससे नेक्स्ट वाली में डेल्टा एक्स होल क्यूब होगा, उससे फोर होगा, मतलब हर एक में डेल्टा एक्स होगा। और जब हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे डेल्टा एक्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस वजह से हम सिर्फ थ्री टर्म्स ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म रह जाती है, सेकेंड में भी हमारे पास डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा, उसने भी ज़ीरो हो जाना है। तो ये मैथड है। अच्छा, इसके बाद ये जो केस नंबर टू है, अब इसमें आप देखें यहाँ पे एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया है और उस पर पावर भी है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। एक्स डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर भी है, यहाँ पे भी बायनॉमियल थ्योरम ही लगना है, लेकिन उससे पहले आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, यही आएगा ना। यहाँ पे देखिए, एक्स में डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट हुआ, ये एज इट इज़ है। वाई में डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट हुआ था, डेल्टा वाई अपनी जगह पे, वाई इधर आके माइनस हुआ, वाई की वैल्यू क्या थी, वन अपॉन एक्स एस टू द पावर एम। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। क्या लेना है आपने यहाँ पे, एलसीएम लेना है। आफ्टर एलसीएम क्या हुआ है कि ये वाला एक्स एम तो अपनी जगह पे है, ये जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एम, अब इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम लगा है, वही देखें एक दो तीन टर्म्स खोलनी है, ये लास्ट टर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बेशक मत लिखें। जब आप इसको ओपन करें ये माइनस साइन इनका साइन चेंज कर देगा और ये फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और अब आपके पास ये इतनी टर्म बची है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आपने डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना है, उसके बाद थर्ड स्टेप डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देना है, वो वाला डेल्टा एक्स और डिवाइड वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये चीज़ बचेगी। इस पर आपने लिमिट लगा देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये करते कराते आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में था, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या होगा, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन व्हेन एन इज नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो देख लें। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने आना है पेज नंबर 103, एग्जांपल नंबर 3.7। ये मैं आपको क्यों करा रही हूँ, यहाँ पे पिछले तो हमने जो पढ़ा था पावर n पढ़ी थी ना, मतलब गिवन नहीं थी हमें, n था, n अननोन था। इसमें अब क्या है, हमारे पास पावर भी है और एक बात का और ख्याल करें, यहाँ पर 2x है, y इज़ इक्वल्स टू x प्लस फिर अंडर रूट के अंदर x प्लस टू है। तो आपके पास क्वेश्चन में जितनी जगह x होगा ना, हर x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट लगेगा। तो यहाँ पे x था, इसका देखिए फर्स्ट स्टेप, पहले तो y, y में डेल्टा y ऐड होगा, x में डेल्टा x ऐड होगा, इधर भी x में डेल्टा x ऐड होगा, क्लियर। अब
नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस वाई, वाई क्या था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो ये एक्स माइनस का है, ये एक्स प्लस का है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास ये तीन टर्म्स बचनी है, दो टर्म्स आपके पास किस में है, अंडर रूट में है। अच्छा, अब आपने ध्यान किस बात पे देना है, ये वाला जो अंडर रूट है इसके अंदर क्या है, एक्स प्लस टू, और यहाँ भी क्या है, एक्स प्लस टू। आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट में से इतने में से भी एक्स प्लस टू कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस टू है तो हमें यहाँ भी एक्स प्लस टू चाहिए। जब आप कॉमन लोगे तो इस एक्स प्लस टू की जगह तो क्या आया है, वन, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स के साथ तो एक्स प्लस टू नहीं है ना, तो जो चीज़ ना हो वो फिर क्या हो जाती है, डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्स प्लस टू अंडर रूट में है, यहाँ भी एक्स प्लस टू अंडर रूट में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा वन प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू की पावर वन अपॉन टू, और ये भी चला गया तो इसकी जगह क्या बचा, माइनस वन। इस स्टेप को गौर से देखिएगा, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, आपने इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है, ये जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, आपने वही चीज़ इधर बनानी है। यहाँ भी x प्लस टू था तो हमने यहाँ भी x प्लस टू को ही कॉमन रखना है। जब हम x प्लस टू को कॉमन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास इस x प्लस टू की जगह तो वन बचेगा, ये डेल्टा x अपनी जगह पे है, लेकिन डेल्टा x के साथ तो x प्लस टू मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये चीज़ बन गई है, इनके अंडर रूट अलग कर दिए, उस पर अंडर रूट रहने दिए, इस पर अंडर रूट की जगह वन पॉइंट टू लिख दिए। अब ये दोनों सेम हो गए ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हमने इनको कॉमन ले लिया, यहाँ पे वही बचा, लेकिन इसकी जगह क्या आ गया, माइनस वन। अब आप देखें इसके ऊपर अगेन क्या लग रहा है, बायनोमियल थ्योरम। इसकी भी हमने कितने स्टेप्स ओपन करने हैं, वन टू और थ्री, क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये माइनस वन लास्ट वाला, ये यहाँ पे ये माइनस वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये दो टर्म्स बचेंगी, वही प्रोसीजर है बाकी सारा। आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, फिर फोर्थ स्टेप में डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, लिमिट लगानी है, और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना लेक्चर आज के लिए काफ़ी है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।